हेलो स्टूडेंट्स, समसामयिक घटना के इस न्यूज में मैं कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछूंगा जो कि आपको एग्जाम में पूछता है। एक्चुअली मैं आपको जो अब बता रहा हूं कि वे क्वेश्चन आपको बनते हैं जो कि पूरे विश्व के लिए फेमस होते हैं, समसामयिक घटनाएं, और आपके देश के लिए जो घटना इम्पोर्टेंट होती है वही आपका क्वेश्चन बनता है। छोटे छोटी घटनाएं आपका क्वेश्चन नहीं बनती हैं। जैसे मिलन 2020 एक मल्टीनेशनल नेवल एक्सरसाइज है। इसमें 46 देश भाग लिए। आपसे देखिए, इसमें क्या पूछा जा सकता है कि ये कौन सा देश इसको होस्ट किया? तो पहला होस्ट किया ये आपका इंडिया बनता है। ये आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सा देश होस्ट किया, कहां पर हुआ, ये भी पूछा जा सकता है। प्लेस विशाखापत्तनम भारत का एक शहर है, विशाखापत्तनम तटीय शहर है, वहां ये कौन किया गया। और इसका जो थीम है, थीम भी पूछ लेता है, पूछेगा व्हाट इज मिलन 2022 एंड इट्स थीम इसका था कैमरा डेप्थ कोहेशन एंड कोहेशन एंड कोलैबोरेशन ये आपसे पूछा जा सकता है। बस इतने यही पूछा जा सकता है कि ये क्या है मिलन 2022 एंड कौन सा देश इसको होस्ट किया, कहां पर हुआ और इसका थीम क्या। Another question is, एप्पल कंपनी आप जानते ही हैं कि ये मोबाइल बनाने वाली सबसे महंगी कंपनी है। ये विश्व की पहली 3 ट्रिलियन मार्केट वैल्यू वाली कंपनी है। ये इसमें आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विश्व की सबसे बड़ी मार्केट वैल्यू वाली कौन सी कंपनी है, तो ये आपका एप्पल है। विश्व की सबसे बड़ी मार्केट वैल्यू वाली कंपनी, ये आपसे पूछा जा सकता है। सिर्फ इसमें इतना ही पूछा जा सकता है। इसके अलावा थर्ड पॉइंट रुद्र ये एक सर्वर है, भारत का स्वदेशी सर्वर है। सिर्फ आपसे यही पूछा जा सकता है इसमें कि रुद्र क्या है, तो ये भारत का स्वदेशी सर्वर। इसको किसने विकसित किया है, तो भारत का सीडैक, आप नाम सुने होंगे सीडैक। तो इसमें आपके बस यही क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि रुद्र क्या है और इसको किसने डेवलप किया है। एनदर क्वेश्चन फोर्थ, आजकल महिलाओं से संबंधित घटनाएं हो रही हैं, उत्पीड़न की हो रही हैं, इसको लेकर के भारत में पहला राज्य तमिलनाडु है जिसने महिलाओं पर एक नीति तैयार की है। तो महिलाओं के लिए नीति तैयार करने वाला भारत का पहला राज्य तो ये आपका तमिलनाडु हो गया। इसके अलावा जो आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एनदर क्वेश्चन इज दैट, जैसे आपको सभी जानते हैं कि भारत में चीते लुप्त हो गए, ये भारत में चीते अब नहीं है, तो भारत में चीते लाने के लिए भारत सरकार ने अफ्रीका के बोत्सवाना ये अफ्रीकी देश है। आपको सबसे अच्छा इसका क्वेश्चन है कि बोत्सवाना में कालाहारी मरुस्थल
वहां से 5 बरस में 50 चित्ते भारत लाए जाएंगे। और कितने? 5 बरस में 50 चित्ते भारत लाए जाएंगे। और ये भारत में चित्ते कहां रहेंगे? भारत में चित्ते आपको कूनो, भारत में चित्ते आपको कूनो, पालपुर नेशनल पार्क, मध्य प्रदेश। एक्चुअली जो भी एनिमल्स होते हैं उनको रहने के लिए एक निश्चित एनवायरनमेंट की जरूरत पड़ती है, कितना टेम्परेचर में रहेंगे और उनके लिए क्या खाने की व्यवस्था रहेगी। तो इस सब को देख करके मध्य प्रदेश का कूनो पालपुर नेशनल पार्क चुना गया है। और इसमें देखिए क्वेश्चन आपसे यही पूछा जा सकता है कि भारतीय चीते जो लुप्त हो गए हैं वो कहाँ से आएंगे? तो अफ्रीका के बोत्सवाना से। और भारत में कहाँ रखे जाएंगे? कूनो पालपुर नेशनल पार्क में। और 5 बरस में 50 चित्ते भारत लाए जाएंगे। ये कौन कर रहा है? ये कर रहा है भारत का राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण। भारत का राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण, ये आपका क्वेश्चन। और सेकंड क्वेश्चन एक ये है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे देखिए मैंने उसी न्यूज को क्वेश्चन बनाया जा सकता है जो कि पूरे विश्व को प्रभावित करता है, एक आश्चर्यजनक जैसी होती है। एक देश है कजाकिस्तान, वहां ईंधन की बढ़ती कीमत के कारण वहां आपातकाल लागू कर दिया गया है। अब देखिए आपको इसमें इस क्वेश्चन सिर्फ यही पूछा जा सकता है कि विश्व का कौन सा देश है जिसमें ईंधन की कीमत बढ़ने के कारण आपातकाल लागू कर दिया गया है। तो यह है ईंधन की कीमत बढ़ने के कारण आपातकाल लागू मतलब क्या? इमरजेंसी। ये आपका कजाकिस्तान, ये मध्य एशियाई देश है। तो इसमें आपको सिर्फ यही पूछा जा सकता है कि विश्व का कौन सा देश है जिसमें कि ईंधन की बढ़ती कीमत के कारण आपातकाल लागू कर दिया गया। कितना आश्चर्यजनक घटना है। दूसरा देखिए, अंडर 19 विश्व कप क्रिकेट ये किसने जीता? बस सिर्फ यही पूछा जा सकता है। देखिए खेल न्यूज में भी, इंटरनेशनल जो खेल न्यूज होता है उसमें भारत यदि उसमें पार्टिसिपेट करता है तो आप समझिए कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो चूंकि ये अंडर 19 एशिया कप अंडर 19 एशिया कप क्रिकेट किसने जीता 2021? तो ये भारत ने श्रीलंका को हरा के जीता, बस इसमें आपको यही पूछा जा सकता है कि अंडर 19 एशिया कप क्रिकेट किसने जीता? तो भारत ने जीता। और चूंकि ये भारत से मामला है इसलिए भी पूछ सकता है कि भारत किसको हरा के जीता। एक देखिए पढ़े भारत अभियान ये भारत सरकार का 1 जनवरी 2022 से 100 दिन का कार्यक्रम है। 1 जनवरी 2022 से 100 दिवसीय पढ़ाई का कार्यक्रम है। देखिए इसमें दो तरीके से पूछे जा सकते हैं कि पढ़े अभियान क्या है। पहली बात होगी तो आप लिखेंगे एक 100 दिवसीय पढ़ाई का अभियान भारत सरकार का है। दूसरा आपसे पूछा जा सकता है कि 100 दिवसीय पढ़ाई का अभियान भारत सरकार ने जो 1 जनवरी 2022 से चलाया था उसको क्या कहते हैं? तो ये आपका पढ़े भारत। उसके बाद देखिए विश्व की अनदर क्वेश्चन,
विश्व की सबसे लंबी मेट्रो ट्रेन, आपसे पूछा चुकी है लंबी है तो ये पूछा जा सकता है, विश्व की सबसे लंबी मेट्रो ट्रेन कहाँ है, तो शंघाई है। शंघाई ये चीन का एक शहर है, चीन का एक शहर है। चीन की पॉपुलेशन वैसे भी सबसे ज्यादा है तो हमें बड़ी मेट्रो की जरूरत तो है ही। दूसरा इंपॉर्टेंट है, भारत में पहली जल मेट्रो परियोजना वाला भारत का कौन सा शहर है, तो ये आपका कोच्चि है। कोच्चि केरल का शहर है, केरल ये समुद्रतटीय शहर है, इसलिए जल मेट्रो परियोजना वाला भारत का ये पहला शहर है कोच्चि। ये इंपॉर्टेंट है खासतौर से, देखिए क्वेश्चन आपको मैं जो बना रहा हूँ यूपीएससी यूपीपीसीएस एलटी एंड एसएससी के एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा और कहीं से नहीं आएगा, मैं आपको बता रहा हूँ, आप एकदम गोली की तरह दिमाग में ठूस लीजिए। तीसरे ई प्रशासन पर राष्ट्रीय सम्मेलन, ई प्रशासन पर राष्ट्रीय सम्मेलन 7-8 जनवरी 2022 को ये हैदराबाद में हुआ था, इसमें हैदराबाद तो इसमें सिर्फ आपसे यही पूछा जा सकता है कि ई प्रशासन पर राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ हुआ था, कब हुआ था, तो कहाँ हुआ था, तो हैदराबाद, और 7-8 जनवरी 2022 के बीच में हुआ था। इसके अलावा देखिए देश की पहली पेपरलेस हाई कोर्ट केरल, देश की पहली पेपरलेस हाई कोर्ट केरल है, इसमें बस यही आपसे पूछा जा सकता है कि पेपरलेस हाई कोर्ट कौन है, तो केरल है। और एक जो क्वेश्चन अमेरिका से है, अमेरिकी सिक्के पर पहली अश्वेत महिला का फोटो लगेगा, जैसे अपने यहाँ सिक्के पर किसका है, महात्मा गांधी का है फोटो, अरे वो नोट पर, उसी टाइप का अश्वेत महिला का फोटो आपको अमेरिकी सिक्के पर दिखाया जाएगा, उसका नाम है माया एंजेलो, माया एंजेलो, ये सामाजिक कार्यकर्ता है, क्योंकि वो अश्वेत थी और अमेरिका श्वेत वालों का देश है, इसलिए अश्वेत अल्पसंख्यक होते हुए भी उनको स्थान दिया गया, इसलिए ये क्वेश्चन आपको काफी इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है खासतौर से यूपीएससी के एग्जाम में। माया एंजेलो अमेरिकी यूएस सिक्के पर स्थान पाने वाली महिला, स्थान पाने वाली पहली महिला, पहली महिला। इसके आगे है 675 करोड़ सूर्य नमस्कार, ये आपका जो भारत अमृत महोत्सव मना रहा है अपने स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ, उसी का एक भाग के रूप में हैदराबाद में 75 करोड़ सूर्य नमस्कार का आयोजन किया जाएगा, ये आपको 21 दिन तक चलेगा सूर्य नमस्कार, 21 दिन तक चलेगा, कहां चलेगा, हैदराबाद में, हैदराबाद। और एक और जो पुरस्कार है डॉक्टर अंबेडकर के, डॉक्टर अंबेडकर के नाम पर एक 12वां भारत रत्न अंबेडकर पुरस्कार किसको दिया गया है, तो चूंकि ये अभिनेत्री हैं, इनका नाम है हर्षाली मल्होत्रा, यहां ऊपर लिख दे रहे हैं, इंपॉर्टेंट है। हर्षाली मल्होत्रा ये भारत रत्न डॉक्टर
भीमराव या राव अंबेडकर पुरस्कार।